मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। वो भाजपा के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल समेत जिला की सभी 18 नगर निकायों में अध्यक्ष, पार्षद, सभासद और सदस्यों के समर्थन में नुमाइश मैदान में पहुंचे। आइए सुनते हैं सीएम ने अपने मंच से अपने भाषण में क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी ने महापौर प्रत्याशी के रूप में श्री प्रशांत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया अलीगढ़ से। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका प्रौली से श्री पवन वर्मा को, नगर पालिका खैर से श्री पुरुषोत्तम गर्ग को, नगर पंचायत जगदारी से श्री मनवीर सिंह चौधरी को, नगर पंचायत पिसावा से श्री रविंद्र कुमार राठी को, नगर पंचायत चंडौत से धर्म सिंह भारती को, नगर पंचायत हरद्वारगंज राजेश यादव, ये खड़े होते हैं आपके पीछे, नगर पंचायत जवा सिकंदरपुर श्रीमती पूर्णमती कटी, नगर पंचायत बरौली श्री मनोज सिंह प्रधान, नगर पंचायत गवाना श्रीमती पुष्पलता सिंह, नगर पंचायत पिलखना श्रीमती जमीला खातून, नगर पंचायत कौड़ियागंज श्रीमती कल्पना सिंगोदी, नगर पंचायत छर्रा श्रीमती सपना गुप्ता, नगर पंचायत जलाली श्री दयानंद वर्मा, नगर पंचायत विजयगढ़ श्री अजनेश कुमार वासने, नगर पंचायत इकलास श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, नगर पंचायत बेसमा श्री उपालाल कुशवाहा और नगर पंचायत मंडराट राजकुमार दिवाकर, ये हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं सभी। और इन सबको महापौर के साथ साथ नगर पंचायत के सभी चेयरमैन और इनके साथ सभी पार्षदों को, क्योंकि महापौर के साथ साथ चेयरमैन हमारे जीतेंगे लेकिन इनकी ताकत तो पार्षदों के बोर्ड पे है, पार्षदों को भी विजयी बनाएंगे। आप सभी सहमत हैं? चिता करके भेजेंगे, सभी लोग चिता करके भेजेंगे। चेयरमैन महापौर नगर पालिका नगर पंचायतों के चेयरमैन के साथ साथ सभी पार्षदों को भी चुनाव चिता करके भेजेंगे। आश्वस्त करता हूं यहां के विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसे की कमी कभी आड़े नहीं आने दी जाएगी। बुनियादी सुविधा के लिए, पेयजल के लिए, सिवर लाइन के लिए, जल निकासी के लिए और अच्छी स्मार्ट सड़कों के लिए, सेफ सिटी के लिए जितना पैसा लगेगा डबल इंजन की सरकार पैसा आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। आप सभी हमारे सभी प्रत्याशियों के समर्थन में एक बार दोनों हाथ पा करके मेरे साथ 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख
चल रहे हैं।